नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनीतास बालकनी गार्डन में। तो आज मैं आपसे बात करूंगी गर्मी के प्लांट्स के बारे में, जो सर्दियों में, जिनकी सर्दियों में इस तरीके की कंडीशन हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक अपने गर्मी के प्लांट्स को ट्रीट नहीं किया है तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि उनके साथ में अब क्या करना है। तो देखिए, ये मेरा अलमंडा और मधुमालती का प्लांट है, जिनके गमले दोनों पास पास रखे हुए हैं। ये बेलें बहुत ऊपर तक चढ़ चुकी थी, ये बाहर भी निकल चुकी थी और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी। और अभी आप देख सकते हैं सारे पत्ते इनके झड़ चुके हैं, सर्दियों में सारे पत्ते चले गए। तो मैं यहाँ से इसको पूरा कट कर दूँगी ऊपर, क्योंकि बहुत ऊपर तक है तो वहाँ से मैं ट्रिम नहीं कर सकती। तो ये वैसे भी नीचे से इसकी बेल जो है, वो ब्रांच है, वो बहुत मोटी हो चुकी है। तो ये सारा मैं ऊपर का हटा दूँगी, क्योंकि कुछ जो ब्रांचेस है वो बहुत सूख चुकी हैं और बाहर मेरे हाथ जाएंगे नहीं इस जाली के। तो मैं अंदर से यहाँ से सारा कट करके इसको निकाल दूँगी, जो जाली में फंस गई है इसकी ब्रांचेस, तो इन सबको निकाल के हटा दूँगी, जिससे वापस से नई नई ग्रोथ होगी। मैं इस वीडियो में आपको पूरा अपडेट दूँगी जब नई नई पत्तियाँ आ चुकेंगी, तब तक का इसमें आपको अपडेट मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं, जितने भी हमारे पास प्लांट हैं गर्मियों के, अलामंडा है, मधुमालती है, मोगरे का प्लांट है, या फिर आपके पास जो भी प्लांट्स हैं, जिनकी भी जो आपके ज़्यादातर पूरे सूख गया होगा, पूरी पत्तियां झड़ चुकी हैं ज़्यादातर प्लांट्स की, तो आपकी जो भी सूखी सूखी डंडियां होंगी वो आप इसमें से कट कर दीजिए। ये वाला प्लांट ऊपर जो था अभी, वो है अपराजिता का, इसकी भी बेल साथ में है। ये देखिए, ये वाला, ये अपराजिता की बेल है, ये भी बिल्कुल सूख चुकी थी, थोड़े बहुत पत्ते बाकी थे, तो इसको भी मैं कट करूँगी। आप देखते जाइए, ये देखिए कितनी ब्रांचेस सूख गई हैं। तो ये सारी मैंने सब कट करूँगी, जितनी भी सूखी हुई है आप चेक कर लीजिए। आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आपकी जो ब्रांच है उसके ऊपर नाखून से स्क्रैच करके आप अगर देखते हैं, अगर वो अंदर से ग्रीन है तो आप उसको मत काटिए, ऊपर से थोड़ा सा टिप काट दीजिए बस, जिससे ये नई नई पत्तियाँ इसमें आ जाएंगी नीचे से। ये मोगरे का प्लांट है, इसको भी हम देख लीजिए। मैं इसको चेक कर रही हूँ कि कौन सी ब्रांचेस सूखी हुई हैं, तो उनको कट कर रही हूँ। ये कटिंग करनी बहुत ज़रूरी है, वरना आपका पूरा प्लांट सूख सकता है। तो आप ध्यान से इसकी कटिंग कर दीजिएगा और ध्यान रखिएगा, मिट्टी बहुत गीली नहीं होनी चाहिए जब आप इसकी कटिंग करते हैं ब्रांचेस की, नहीं तो फंगस लग सकती है आपके प्लांट में। और दोपहर में भी ये काम नहीं करना है आपको, क्योंकि दोपहर में बहुत तेज़ धूप पड़ने लगी है अब, जिससे ब्रांचेस सूखने लगेंगी। दोनों ही कंडीशन में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो आपके प्लांट में फंगस लग सकती है, और अगर दिन में, दोपहर में, आप भरी दोपहर में अगर इसको कट कर देते हैं तो आपकी इसकी ब्रांचेस सारी सूख सकती हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप सुबह या शाम के समय कटिंग करिए, और मिट्टी में पानी देते ही मत करिएगा, पानी देने से पहले ही कर दीजिए और बाद में आप शाम को पानी दे सकते हैं। अब देखिए, अब जितने भी मैंने सारे की कटिंग कर दी, ये भी एक मधुमालती का प्लांट है, मेरे पास दो मधुमालती की बेलें थी तो इसको भी मैंने कट कर दिया। अब मैं सभी गमलों के मिट्टी की ऊपर से गुड़ाई कर दूँगी, एक एक इंच, एक से डेढ़ इंच तक की गुड़ाई करने के बाद। और आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें गुड़ाई तब करिए जब आप इसकी मिट्टी सूख गई हो, तो आप, या फिर गीली है अगर, तो गुड़ाई करके आप उसको छोड़ दीजिए एक दिन के लिए, और फिर अगले दिन आप इसमें खाद डाल सकते हैं। तो मिट्टी सूखी हुई है, सबसे पहले हम गुड़ाई कर देंगे और फिर हम इसके ऊपर की मिट्टी हटा के, दो इंच की, डेढ़ इंच की, और मिट्टी हटा के वहाँ पर हम वर्मी कंपोस्ट दे देंगे या गोबर की खाद, आपके पास जो भी खाद अवेलेबल हो आप वो डाल दीजिए, और फिर ऊपर से इसी मिट्टी से आप उसको कवर कर दीजिए। कवर करने के बाद अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी नहीं है तो आप इसमें
मतलब मॉइस्चर अगर है थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब, तो आप इसमें पानी दे दीजिए, कम पानी दीजिए। और अगर मिट्टी सूखी हुई है तो आप उसमें एक बॉटल, एक लीटर बड़े वाले गमले में एक लीटर बॉटल पानी दे सकते हैं, इसमें अच्छे से पानी दे दीजिए। फिर उसके बाद जब मिट्टी सूखेगी दोबारा तभी देना है आपको। ये देखिए मैं खाद डाल रही हूँ, इस तरीके से आपको खाद देनी है। आप अच्छे से खाद दे दीजिए, 3-4 मुट्ठी, अगर बड़ा गमला है, छोटा है तो 2 मुट्ठी दे दीजिए अच्छे से। आपको अभी बहुत अच्छे से देनी है, इस मौसम में ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ रही है अभी और ना ही ज़्यादा ठंड है, तो आप अपने गर्मी के जो जितने भी प्लांट्स हैं उनमें बहुत अच्छे से खाद दे दीजिए, क्योंकि अब इसके बाद आपको 1 से 1.5 महीने बाद ही खाद देनी है। और अगर आप केमिकल देना चाहते हैं, NPK देना चाहते हैं, तो वो आप स्प्रे कर सकते हैं, मिट्टी में भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं, और नहीं तो सिर्फ स्प्रे कर दीजिए, 15 दिन बाद स्प्रे कर दीजिएगा। फिर जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ेगी 5 जून में, आप इसमें केमिकल वाली खाद मत दीजिएगा, और आप सिर्फ ये देसी खाद जो हमारी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद है आप वो दे सकते हैं। ये देखिए ये मैंने कट कर दिया है, बिल्कुल ऊपर तक कट कर दिया था, और अब इसमें भी गुड़ाई करके मैं इसमें भी खाद दे दूंगी। अगर आपके गमले की मिट्टी में खरपतवार या फिर घास वगैरह उग गई हो तो आप वो हटा दीजिएगा। मैं तो डेली चेक करती रहती हूँ और निकाल देती हूँ, अगर कुछ उगता भी है तो थोड़ा बहुत रह जाता है, थोड़ा बहुत भी उगता है तो भी निकाल देती हूँ। और ये छोटा सा प्लांट है, ये फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसकी मैंने कटिंग लगाई हुई थी जो बस चल रही है, अभी अच्छे से नहीं चल रही तो मैंने इसको नहीं हटाया है। बाकी आप किसी भी गमले में देखेंगे, कोई भी घास मेरे किसी भी गमले में मिट्टी में नहीं दिखेगी आपको। ये देखिए इसकी भी मिट्टी मैंने गुड़ाई करके और यहाँ पे खाद दे देंगे, मिट्टी से ढक देंगे। इस तरीके से आप देख लीजिए, इस तरीके से आप, बहुत इजी तरीका है ये, इस तरीके से दे दीजिए। और इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट में मैंने फंगीसाइड मिक्स किया है, आप चाहें तो हल्दी भी मिक्स कर सकते हैं, हल्दी और 1 चम्मच राख मिक्स की है और एप्सम सॉल्ट मिक्स किया है। तो ये सब चीज़ें मिक्स करके 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट और मतलब कम से कम आप 4-5 मुट्ठी, जब आप 5 मुट्ठी के करीब खाद लेते हैं तो उसमें 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट और 1 चम्मच हल्दी, ये मिक्स कर दीजिए और ये इसमें दे दीजिए। ये देखिए मिट्टी इसकी थोड़ी गीली थी तो मैंने पानी थोड़ा कम ही दिया है, धीरे धीरे गमला बड़ा है इसका। कोई भी बेल लगाते हैं आप तो उसको बड़े गमले में ही लगाना होता है, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो ये दूसरा, ये छोटे गमले में लगा हुआ था वो रूट बॉन्ड हो गया था, मैंने इसका वीडियो भी इसमें शेयर किया है, तो आप मधुमालती के नाम से देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। जब मैंने इसकी रीपॉटिंग की थी और गर्मियों में ही की थी, बहुत गर्मियाँ पड़ रही थी तब पिछले साल की थी इसकी रीपॉटिंग, तब ये बहुत अच्छी से चली है, फ्लावरिंग भी इसमें बहुत अच्छी हुई थी। मैं बाहर चली गई थी तब पीछे से इसमें फ्लावरिंग हुई और पत्ते भी, फिर उसी समय पत्ते झड़ गए इसके, बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। तो बस छोड़ के जाते हैं हम गर्मियों में प्लांट्स को, तो हमारे प्लांट्स सूख जाते हैं क्योंकि इनमें डेली पानी की ज़रूरत होती है गर्मियों के मौसम में। ये हमारा अलामंडा का गमला है, उसमें भी देखिए गुड़ाई कर दी है, इसकी मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है, तो हम खाद दे के बहुत अच्छे से वाटरिंग कर देंगे।
ये मोगरे का प्लांट है, इसमें भी गुड़ाई करूँगी मैं। इसको कटिंग से लगाया था मैंने, इसीलिए साइड में लगा हुआ है ये प्लांट, तो कटिंग यहीं चलने लगी तो फिर मैंने इसको इसी गमले में रहने दिया, क्योंकि ये बड़ा गमला था तो इससे मुझे हटाना नहीं पड़ेगा कभी। अच्छा खासा बड़ा गमला है ये, 10 से 11 इंच का गमला है। देखिए इसमें भी हमने खाद दे दी और पानी दे देंगे। 10 से 15 दिन में इसमें पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी नई नई, और ये बहुत अच्छे से चलने लगेगा। देखिए ऊपर से जड़ें भी टूट रही हैं, नई नई जड़ें ग्रो होने लगी हैं इनमें। ये हमारा गुड़हल का प्लांट है, इसमें वाइट कलर की फ्लावरिंग होती है, तो ये मैंने आपके साथ फ्लावरिंग बहुत शेयर की है इसकी, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं गर्मियों में। तो आप देख सकते हैं इसमें भी हम गुड़ाई करके, और इसमें भी जड़ें बहुत ऊपर तक आ गई हैं, गुड़ाई करके खाद दे दूँगी। इसकी भी ब्रांचेस मैंने कट कर दी थी, जितनी भी ऊपर से सूखी हुई थी थोड़ी थोड़ी सी ट्रिम की है, जिससे ये और अच्छे से घना हो सके। क्योंकि ट्रिमिंग करने से क्या होता है कि डबल डबल ब्रांचेस निकलती है और हमारा प्लांट घना होता है। अगर आपको छोटा प्लांट चाहिए तो आप थोड़ी बड़ी बड़ी ब्रांचेस कट कर सकते हैं, इस मौसम में इसको रीपॉट कर सकते हैं, और हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, मीठे नीम की भी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो होगा। बस आप ध्यान रखिए कि अभी 15 मार्च तक आप कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। बाकी आपके यहाँ पर अगर ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाए तो आप फरवरी मंथ में ही ये सारे काम निपटा लीजिए। ये मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट है, ये मिट्टी के गमले में लगा हुआ है और ऊपर तक मिट्टी थी, तो मैंने इसकी गुड़ाई करके देखिए मिट्टी पूरी बाहर निकाल ली है पहले, और अब मैं इसमें खाद डालूंगी। और इसमें आप ध्यान रखिएगा फंगीसाइड ज़रूर मिलाइएगा, जिससे फंगस नहीं लगे, क्योंकि गर्मियों में हमें डेली वाटरिंग करनी होती है। कभी कभी पानी मिट्टी हवा बहुत ज़्यादा चलती है तो ऊपर से मिट्टी सूख जाती है और नीचे की मिट्टी गीली होती है, तो कभी गलती से पानी ज़्यादा भी पड़ जाए तो हमारे प्लांट में फंगस नहीं लगती है। तो आप महीने में एक बार तो फंगीसाइड स्प्रे करना या मिट्टी में आप ज़रूर दे सकते हैं। सिस्टमैटिक फंगीसाइड आता है बाज़ार में साफ का, मैं वही यूज़ करती हूँ, तो आप वही ले लीजिएगा, या फिर हल्दी और राख यूज़ कर सकते हैं। महीने में एक बार एक चम्मच ही यूज़ करनी है एक गमले में। ये देखिए ऊपर से मिट्टी से कवर कर देंगे हम खाद को, और इसमें भी अच्छे से वाटरिंग कर देंगे। ये अपराजिता का गमला है, इसको भी मैंने कट किया है, इस प्लांट को भी, इसको भी नीचे उतार लिया, ये ऊपर रखा हुआ था गमला, तो इसकी गुड़ाई करके इसकी भी मिट्टी निकाल कर और अच्छे से हम इसमें खाद देंगे। ऐसे ही मैंने सारे गमले निकाल के अच्छे से गुड़ाई करके, जो छोटे गमले थे उनको भी, सभी गर्मी के प्लांट्स को मैंने खाद दे दी है, और आप देख सकते हैं और देख लीजिए सभी में किस तरीके से किया है मैंने। अब हम इनमें सब में पानी दे देंगे, बस आप एंड तक देखिएगा क्या रिज़ल्ट, ये देखिए क्या रिज़ल्ट आया है। ये देखिए नई नई शूट्स निकलने लगी है बहुत ही जल्दी, ये हफ्ते भर बाद से ही, बाद में ही ये रिज़ल्ट देखने को मिल गया है। और ये देखिए नए नए शूट्स हर जगह से निकल रहे हैं, और ये थोड़े ही टाइम में ये पूरी बेल फैल जाएगी और इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। ये देखिए इसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये है अलमंडा, देखिए
अलामंडा में तो बहुत सारे पत्ते ऊपर की तरफ निकल चुके हैं, ये देखिए। ये देख सकते हैं कितनी जल्दी, ये हमारे प्रूनिंग या हमने जो कटिंग की है उसके कारण ये नए नए पत्ते बहुत जल्दी निकलना शुरू हो गए हैं। अगर आप कटिंग नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे ब्रांचेस सारी सूख जाती हैं। तो आप ऐसे ही इस तरीके से कटिंग करके खाद दीजिए, खाद देने से हमारे जो नई नई शूट्स होती हैं वो बहुत जल्दी निकलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमने सर्दियों में इनमें कोई भी खाद नहीं दी थी। तो अब आप देंगे तो ये बहुत जल्दी से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये दूसरा वाला मधुमालती का प्लांट है, इसमें भी आप देख सकते हैं नए नए पत्ते दिख रहे हैं आपको। ये सारे हमारे गर्मी के प्लांट से देखिए नई नई पत्तियां निकल आई हैं। ये हमारा मधु कामिनी का प्लांट है, ये है मोगरा। इसमें देखिए मैंने कटिंग्स लगाई थी बेबी सनरोज की, सर्दियों में इसका भी मैंने वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो में बताया था आपको जब कटिंग लगाई थी। देखिए कितने अच्छे से चली है, अगर आपने भी उस समय लगा ली होगी वीडियो देख के तो बहुत अच्छी आपकी कटिंग्स लग चुकी होंगी। कहीं भी लगा सकते हैं, कटिंग्स चल जाती हैं, फिर आप इससे हैंगिंग बास्केट में कहीं भी लगा सकते हैं। देखिए नई नई पत्तियाँ मोगरे में भी निकल गई हैं, मेरे पास मोगरे के भी 3 प्लांट हैं। ये देखिए ये तीसरा प्लांट है, पहला जिसकी मैंने कटिंग की थी वो था, दूसरा इसके पहले जो दिखाया, और ये तीसरा प्लांट है। ये देखिए इसमें तो मैंने सब कट कर दिया था, और इसमें सारी जितनी भी आपको पत्तियाँ दिख रही है ब्रांचेस से सब नई पत्तियाँ हैं।